पताही थाना क्षेत्र के पताही ननहकार गांव के निवासी रामबाबू शाह के 18 वर्षीय पुत्र राजन कुमार का डुमरिया घाट पर बस से सड़क दुर्घटना हो गई तथा उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। राजन कुमार घर के कमाऊ पुत्र थे, वहीं लोग गांव में भी मातमी सन्नाटा पसर गया। उधर मृतक की मां सोनी देवी युवा पुत्र की मौत से गम में बार बार बेहोश हो रही हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। R9 भारत के लिए मोतिहारी पताही से मनोज दास की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण बेरिया प्रखंड के दक्षिणी पट जीरवा पंचायत में बिजली का पोल जगह जगह टूटने का मामला प्रकाश में आया है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि हमारे यहां बिजली का पोल टूट गया है, जिससे खतरा बन रहा है, कभी भी खतरा हो सकता है। मुखिया पति कमलेश प्रसाद यादव के द्वारा बताया गया कि हमारे पंचायत में कई जगहों पर बिजली का पोल टूटा हुआ है। मैं SDM स्कूटी इंजीनियर जेई से 1 साल पहले बोले हुए हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। जब इस संदर्भ में बिजली SDM से मोबाइल फोन में बात किया तो उन्होंने बताया कि जो भी समस्या है जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। आप देख रहे हैं कुछ लोग प्रदर्शन किए हुए हैं, मुखिया जी हैं यहाँ पे। बिजली के संबंधित जेई से SDO से कितना बार बोल चुके हैं कि पोल टूटा हुआ है, मतलब फिर भी इसके ऊपर कोई पदाधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। आइए मुखिया जी से हम बात करते हैं, क्या समस्या है मुखिया जी? यहाँ पर समस्या है कि सभी जनता आए हुए हैं, इन लोगों का नाम है कि जो पोल लगा हुआ उस पोल में बहुत सा पोल टूट गया है, जो गिरने की स्थिति में है, टेढ़ा हो गया है। और हमने जेई साहब से भी कहा, SDO साहब से भी कहा, स्क्रूटी इंजीनियर साहब से भी कहा, हमको आश्वासन मिला कि इस कंपनी को दिया गया उसको मिले, लेकिन साल भर हो गया लगभग कहे हुए, साल भर से कितना बार रिमांड किया गया, लेकिन आज तक किसी तरह का पहल नहीं किया गया और ना आज तक पोल बदला गया, जो कि हमारे यहाँ अप्रिय घटना भी घट सकती है या चिंता का विषय बना हुआ है। मेरा नाम हुआ कमलेश यादव, हम दक्षिण परिजुरा के मुखिया पति हैं। चलिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए, बोलो। बहुत जगह का पोल टूट गया है, जिसमें लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होता है, बहुत नीचे तार झुक गया है, लोग जाता आता है। एक गन्ना का खेत लगाया गया था, उस गन्ना भी जल गया है, अब आने जाने में भी लोग झुक कर जाता है, उसको खतरा का निशान एकदम बना हुआ है। कभी भी मतलब घटना घट सकती है? हाँ, कभी भी घटना हो सकता है। क्या नाम है आपका? मीटर भी बहुत, हमारा हीरालाल हजारा नाम है, दक्षिण परजीरुआ वार्ड सदस्य है, मीटर लगा है? के पति है। मीटर बहुत जगह भी नहीं लगा, मीटर भी नहीं लगा है, बहुत लोग मीटर के बगैर अपन लाइट भी नहीं जला रहे हैं। पोल जो लगाया गया था उस समय बहुत दूरी दूरी पर लग गया, जिसके वजह से तार सब नीचे लटक गया है, आने जाने में लोगों की परेशानी हो रहा है, हो सकता है कभी भी खतरा हो सकता है, कई जगह बहुत सारा पोल टूटा हुआ है। इसके लिए बहुत बार बोला गया SDO साहब, स्कूटी इंजीनियर साहब से, 1 साल हो गया लमसम, लेकिन कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। बिजली विभाग कोई आदमी देखना ना, ना कोई आदमी नहीं, इतना बार बोला गया, हम भी कई एक बार दो बार ऑफिस में गए थे, मुखिया जी भेजे थे हमको, तो नहीं मिला है अभी तक। पोल भी बहुत सारा डैमेज हो गया है, लेकिन कोई ध्यान वाना भी नहीं है। हम दशरथ पासवान 11 नंबर वार्ड से रहे, देख सकते हैं यहाँ पे बिजली विभाग का कितना लापरवाही है। आवेदन पे आवेदन दिया गया, आश्वासन सिर्फ दिया जाता है कि मिलेगा, मगर अभी तक कोई चीज़ के बिजली विभाग के तरफ से कोई भी पोल तार कोई चीज़ नहीं लगाया गया है। R9 भारत के लिए बेतिया से कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अविनाश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण बेरिया प्रखंड के दक्षिणी पटजिरवा पंचायत के मुखिया जी के दरवाजे पर शौचालय से संबंधित कैंप लगाया गया, जिसपे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विनय कुमार के द्वारा बताया गया कि जिनका भी शौचालय का भुगतान नहीं हुआ है उनको आज से कल तक भुगतान कर दिया जाएगा, और जो लोग बोलते थे कि हमारा शौचालय का पैसा नहीं आया है उसी के संबंध में कैंप लगा कर और जाँच कर भुगतान कर दिया जाएगा, जिसपे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विनय कुमार, पंचायत सचिव विनय कुमार चौपे, दक्षिणी पटजिरवा पंचायत के मुखिया पति कमलेश प्रसाद यादव, विकास मिश्र, सुदीश राम, स्वच्छता ग्रही वीरेंद्र राम, सुरेश राम, हरिकेश कुमार, सिकंदर कुमार, कमलेश कुमार, संदीप कुमार यादव, स्वामीनाथ शाह, जितेंद्र कुमार एवं सभी वार्ड सदस्य इत्यादि लोग मौजूद रहे। R9 भारत में स्वागत करता हूं, मैं आया हूं दक्षिण परजिरवा, यहां पे शौचालय संबंधित शिविर लगाया गया है। आइए हम बात करते हैं जो यहां पे कोऑर्डिनेटर साहब हैं, उनके विषय जानते हैं। सर, यहां पे शिविर जो लगा है इसके बारे में बताइए। सर, राज्य कार्यालय के LSBA राज कार्यालय के निर्देशानुसार ये तीसरा शिविर है, और ये शौचालय में जो भुगतान पेंडिंग है उसके लिए, आधार अपडेशन के लिए और पेमेंट के लिए शिविर लगाया गया है। पूरे बैरिया ब्लॉक में 240 फ्रेश अपडेशन हमारा पेंडिंग है, जिसमें 217 यहीं दक्षिण परजिरवा में है, इसलिए यहाँ पर शिविर लगाया गया है। हमारे बगल में पंचायत सचिव जी हैं,
ये हैं, विकास मित्र हैं, ये सारे स्वच्छाग्रही हैं। मुखिया जी के दरवाजे पर पंचायत के सभी लोगों को खबर दे दिया गया है, सारे वार्ड सदस्य हैं, और ये शिविर के माध्यम से हम फॉर्म ले रहे हैं। अभी तुरंत जांच होगा और जाँच उपरांत ब्लॉक इस कार्यालय भेजकर आधी आधार अपडेशन किया जाएगा, और वीडियो लॉगिन पर आने के बाद रात रात तक या कल इसका भुगतान कर दिया जाएगा। जी सर, क्या नाम है सर आपका? विनय कुमार राय। और भी कुछ संदेश सर? और यहाँ एक महीना से कैंप, डेढ़ महीना से कैंप चल रहा था, जो बाकी था वहाँ शौचालय बना है यहाँ, और उसी के लिए कैंप लगा है, और अपना हम लोग कर रहे हैं स्वच्छता अपना में, सभी लोग स्वच्छता अपना स्वच्छता के लिए है। फेज वन की समाप्ति का दौर है, फेज वन समाप्त हो रहा है और फेज टू शुरू होने वाला है। फॉर्म हम लोग साइन कर रहे हैं जांच करके। जी, कब तक पेमेंट होगा? पेमेंट कॉल परसों तक हो जाएगा, कॉले हो जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? विनय कुमार चौबे, पंचायत सचिव दक्षिण पड़जिरवा। जिरवा के मुखिया पति हैं, आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा क्या जानकारी मिलती है। मुखिया जी, आपके यहाँ जो शिविर लगा है इसके बारे में बताइए कुछ। ये जो शिविर लगा हुआ है, इस शिविर में जिसका शौचालय बना है उसी का पेमेंट के लिए यह शिविर लगा है। बहुत सारे लोग कहता था कि पेमेंट हमारा नहीं हुआ है और शौचालय बन गया है, इसी मामला पर शौचालय जिसका बना है उसी का पेमेंट के लिए यह शिविर लगा है। अधिकारी के संबंध में कोई शिकायत? अधिकारी के संबंध में कोई शिकायत नहीं है, सभी पदाधिकारी लोग इसमें लगे हुए हैं और सहयोग कर रहे हैं, जनता को इससे कोई हरास नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कमलेश यादव, मुखिया पति हैं और पूर्व बाजार समिति के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जी, पंचायत दक्षिणी पड़जिरवा है। ऑनलाइन भारत के लिए बेतिया से कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अविनाश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट।